क्या है तो श्याम रे घनश्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो। तो प्रेम स्वरूप परमात्मा का है, जगन्नाथ जी कलयुग के भगवान है, तो प्रेम में तो हृदय धड़कता ही है। तो भगवान श्री कृष्ण प्रेम अवतार है जी। और प्रेम में का जो स्थान है वो हृदय होता है, और धड़कन का अर्थ होता है प्रेम का क्रियान्वित स्वरूप हृदय में। और मैं कहना चाहूंगा कि सर्वोपरि जो अवस्था है वो प्रेम की अवस्था है। सूरदास ने भी गाया है कि सबसे ऊंची प्रेम सगर। तो ये सारा संसार प्रेम ही चला रहा है सारे संसार को। यदि प्रेम तत्व समाप्त हो जाए दुनिया से तो प्रलय आ जाए। तो इस प्रेम के कारण से भगवान अवतार लेते हैं। कहा कि प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है, और प्रेम से मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार है। ये कथा है द्वापर युग की, जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज के उस अपने प्रेम की गाथा को मातेश्वरी से श्रवण कर रहे थे छिप करके दरवाजे के पीछे। तो उस समय समस्त भगवान की रानियां भगवान श्री कृष्ण से चुपके से जब धर्म सभा में गए थे भगवान श्री कृष्ण, तो समस्त रानियों ने अपनी माता को अर्थात सास को मातेश्वरी देवकी को कहा कि आप तो देवकी को नहीं सॉरी यशोदा नहीं नहीं यशोदा नहीं रोहिणी माता से, आप रोहिणी माता से कहा कि आप तो ब्रज में रही हैं द्वारकाधीश के साथ, तो जब भी हम देखते हैं रात को करवट बदलते हैं द्वारकाधीश, तो कभी राधा तो कभी ललिता, इस प्रकार के नाम लेते हैं, ये रहस्य क्या है? तो उस समय रोहिणी मातेश्वरी कहती है कि मैं एकांत में बताऊंगी रहस्य, प्रेम का बहुत बड़ा रहस्य है जी। और लेकिन कब, जब जब कृष्ण चले जाएंगे धर्म सभा में, तो बाद में बताऊंगी। तो बाद में समस्त रानियों को एकत्रित करके तो ब्रज का जो प्रेम है, श्री कृष्ण के बाललों का जो प्रेम है, उस प्रेम की चर्चा विस्तार से अपनी बहुओं को अर्थात श्री कृष्ण की पटरानियों को रानियों को सुना रही थी। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण आए साथ में बलराम जी, और रोहिणी माता ने द्वार पर प्रहरी के रूप में सुभद्रा को बैठा दिया कि कृष्ण बलराम इधर आना जाए, और ये जो ब्रज की प्रेम की चर्चा जो भीतर होगी मेरे द्वारा, इसको कोई दूसरा सुन ना ले, और विशेषकर कृष्ण बलराम को बिल्कुल भी श्रवण ना कर पाए, नहीं तो उनके हृदय में प्रेम का उद्दीपन होगा, उनके भीतर जाए वो प्रेम की ऐसी बाढ़ आएगी तो आंखों में आंसू आएंगे, रोएंगे, व्याकुल होंगे। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे पुत्र की व्याकुलता इतनी अधिक बढ़े, इसने छुपकर प्रेम की कथा सुना रही थी। तो जब सुना रही थी, भगवान श्री कृष्ण बलराम आए जी, तो सुभद्रा ने भीतर जाने से रोका। तो भगवान श्री कृष्ण ने कान लगा करके द्वार के बीच में जो सुराख बना होता द्वार पे कान लगा के, उस समय चर्चा चल रही थी राधा कृष्ण के प्रथम मिलन की प्रेम सरोवर की, और प्रेम की चर्चा सुनते ही श्री कृष्ण पिघलने लगे। यही स्थिति बलराम की हुई, यही स्थिति सुभद्रा की हुई है। प्रेम एक ऐसा तत्व है जो हर व्यक्ति को पिघला देता है। कोई ऐसा कठोर व्यक्ति होगा पत्थर जो प्रेम से पिघलता नहीं, तो सब प्रेम से पिघल जाते हैं। तो प्रेम की चर्चा, उसमें भी राधा कृष्ण का प्रथम मिलन प्रेम सोर वो नंदगांव बरसाने की प्रेम मिलन की चर्चा जब श्री कृष्ण सुनते अपने बालपन की, तो आंखों में आंसू बहने लग जाते हैं, पूरा शरीर पे पसीना टपकने लग जाता, यहां तक कि उनके अंग प्रत्यंग भी गलने लगे, जैसे कि मोम की मूर्ति आंच के सामने पिघलने लग जाती है, इस प्रकार भगवान पिघलने लगे। और उस समय उनके हाथ बिल्कुल पिघल गए, कि फूट से बच रह गए, कान पूरे पिघल के सपाट हो गए, यहां तक कि जो सुदर्शन चक्र था वो भी पिघल के लंबा हो गया। आज भी जगन्नाथ मंदिर में सुदर्शन चक्र लंबाई में है, गोल नहीं है, वो भी पिघल के, नाक भी बिल्कुल पिघल गई, होठ भी चौड़े हो गए, आंखें भी नीचे पिघल के गोल गोल हो गई है, तो पांव भी सब पिघल गए। तो ये पिघला हुआ प्रेम में पिघला हुआ भगवान का स्वरूप है। उसी समय देवऋषि नारद जी द्वारका में आते हैं श्री कृष्ण के दर्शन करने, लगा पता कि अंतपुर में गए हैं। जब अंतपुर में जाते हैं, देखते हैं कृष्ण बलराम और सुभद्रा तीनों पिघले हुए हैं, तब देवऋषि नारद जी झंकृत करते हैं वीणा को, और भगवान श्री कृष्ण की भाव समाधि टूटती है, और फिर ज्यों का त्यों ठीक हो गए, ज्यों का त्यों बन गए,
तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि प्रभु ये जो आपका प्रेम में पिघला हुआ जो स्वरूप है जी, दवी भूत जो आपका स्वरूप है, मैं चाहता हूं कि मंदिर में कहीं स्थापना हो और ये प्रेम में आपका जो हृदय धड़क रहा है और इन जो प्रेम में आप रोम रोम में आपके प्रेम फूट रहे हैं, तो ये प्रेम स्वरूप आपका कहीं ना कहीं स्थापित होना चाहिए। तो भगवान ने कहा आने वाले समय में ऐसा संयोग बनेगा और मेरा ये प्रेम रूप, ब्रज के प्रेम में मेरा जो पिघला हुआ रूप है ये होगा जगन्नाथपुरी में और जगन्नाथ के रूप में मेरी स्थापना होगी। रही बात दिव्य कथा आपने सुनाई स्वामी जी, यहाँ पर मैं यहाँ पर अब राजकुमार शास्त्री जी का